दोस्तों, आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है ये कितनी ज्यादा व्यस्तता भरी है, डेडलाइन से भरी है, एकदम भाग दौड़ से भरी है। बचपन में हमें एक चीज पढ़ाई जाती थी, शायद आपने भी सुनी होगी, कि जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित होते जाएगी, इंसान का जो काम है उतना आसान होता जाएगा, इंसान उतना ज्यादा फ्री हो जाएगा। लेकिन आज आप देखिए, हो इसका जस्ट उल्टा रहा। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित होते जा रही है, डेवलपमेंट होता जा रहा है, उतनी ही इंसान की व्यस्तता बढ़ते जा रही है। खैर, मेन टॉपिक ये नहीं है। मेन टॉपिक ये है कि आमतौर पर होता ही है कि आजकल की इस व्यस्तता के कारण हम लोग क्या करते हैं, अपना जो फूड होता है, जो हमारा भोजन होता है, उसे हम कई कई दिनों तक फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो फूड हमने फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ है, क्या ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, या उस फूड को कितने दिनों तक हमें फ्रिज में स्टोर करना चाहिए। आज इसी के बारे में मैं थोड़ा सा डीपली आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल के लाइफस्टाइल में ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, एंड इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो हर किसी को होना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वेल, मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा। मैंने पता नहीं मुझे किस न्यूज़पेपर में, मैंने कुछ दिनों पहले ये न्यूज पढ़ी है रिसर्च के अकॉर्डिंग, कि जो टायर वन टायर टू सिटीज होती है, जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, इन सिटीज में जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एक बार में बहुत सारा फूड बना के रख लेते हैं। अब वो लोग जितनी जरूरत होती है उस फूड को खा लेते हैं, बाकी जो बचा हुआ रहता है उसको फ्रिज में जाके स्टोर कर देते हैं, और उसी फूड का इस्तेमाल वो कंटिन्यू 2-3-4-5 दिन तक करते रहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? नहीं, मतलब मैंने जब ये खबर पढ़ी तो मैं थोड़ा सा वो हो गया, मतलब बहुत ज्यादा नर्वस हो गया। मैंने देखा कि यार, लोग अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस नहीं। ठीक है, पैसा कमाना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना ये तो सही नहीं है। तो चलिए, अब मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किस फूड को कितने दिनों तक कैसे स्टोर किया जाए ताकि हमें उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल जाए। इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि यार, फ्रिज में फूड रखने के मैं तो सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन अभी जरूरी तो नहीं है कि हर कोई खिलाफ हो, और वैसे भी लकीर का फकीर नहीं बने रहना चाहिए। मेरा पर्सनली मानना है कि यार, फूड बनाओ, खाओ, फ्रेशली जो फूड होता है उसमें कितना न्यूट्रिशन होता है ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल इतनी व्यस्तता है, इसके कारण ये चीज मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं चावलों की। देखिए, क्योंकि चावल जो है हमारे इंडियन फूड का एक सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है, चावल हर जगह बनते हैं, हमेशा बनते हैं, सो चावलों को अगर आपने बनाया और फ्रिज में स्टोर किया है तो उनको 2 दिन के अंदर खा लेना चाहिए। अगर आप 2 दिन के अंदर नहीं खाते हैं तो फिर आपको गैस और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ आपको ये भी करना चाहिए कि जब आप चावल जो है फ्रिज से निकाल के वापस खाने वाले हैं तो आपको सबसे पहले उसे कुछ देर तक रूम टेम्परेचर पर रखना चाहिए ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो, फिर उसको आप थोड़ा सा गर्म करके खा सकते हैं। दिस इज अ ट्रिक। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज रोटी। देखिए, रोटी अगर आपने बनाई है तो उसे 12 से 14 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो उसकी पौष्टिकता होती है, जो उसके न्यूट्रिशन होते हैं, वो नष्ट होने लगते हैं, एंड फिर भी अगर आप खाते हैं तो आपको पेट में दर्द भी हो सकता है, सावधान। अब बात करते हैं दाल की। देखिए, जो दाल होती है इसे 2 दिन के अंदर खा लेना चाहिए, वरना ये जो दाल आपने फ्रिज में स्टोर करके रखी है 2 दिन से ज्यादा, ये आपके गैस का कारण बन सकता है। अब अगर हम बात करें फ्रूट्स की, तो जो कटे हुए फ्रूट्स होते हैं उन्हें ज़्यादा देर तक स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि आपको उन्हें स्टोर करना है तो एक एयर टाइट कंटेनर में ही फिर उन्हें फ्रिज में स्टोर करें, एंड कोशिश करें कि उस फ्रूट्स को जल्द से जल्द समाप्त कर दें खा के। ये वो बातें थी जो मैं लोगों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता था। मुझे लगता है कि आजकल जो है वर्किंग प्रोफेशनल्स का कल्चर बढ़ता था, तो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपना टाइम बचाने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। बट अब आप जानते हैं कि किस फूड को कब तक स्टोर किया जाना, तो उस लिमिट को ध्यान में रखते हुए उस फूड को कंज्यूम करें, नहीं तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, बहुत सारी, सावधान। थैंक यू, मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ।